बच्चों की उम्र के हिसाब से हाइट न बढ़ना एक आम समस्या है। कई बार माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि उनके बच्चे की हाइट दोस्तों की तुलना से कम क्यों है। ऐसे में सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बच्चों की हाइट न बढ़ने के पीछे कौन सी कमियां हो सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर किस विटामिन की कमी के चलते आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं गुड लाइफ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कमी विटामिन डी और कैल्शियम की होती है। ये दोनों ही हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता, खासकर डाइट बढ़ने में रुकावट आती है। विटामिन डी एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है जो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। ये हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों के शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, विटामिन डी की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हिस्सा हड्डियां होती हैं। हड्डियों का सही ढंग से विकास ना होने पर बच्चों की हाइट पर असर पड़ता है। शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम होने से बच्चों की हड्डियां पर्याप्त मजबूत नहीं बन पाती। इससे हाइट बढ़ने में रुकावट आती है और कई बार टेढ़ी मेढ़ी हाइट की समस्या भी हो सकती है। इसलिए बच्चों को पर्याप्त धूप का एक्सपोजर और विटामिन डी से भरपूर आहार देना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी डाइट उम्र के हिसाब से सही रहेगी। वहीं कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हड्डियों और दांतों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। बचपन में हमारी हड्डियां और दांत काफ़ी तेज़ी से विकसित होते हैं और इस दौरान कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम है तो बच्चों के शरीर में इसकी कमी हो सकती है। इससे हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होता और बच्चों की हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती है। वहीं कुछ मामलों में तो कद बिल्कुल ही नहीं बढ़ता। इसलिए कैल्शियम से भरपूर आहार देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बच्चों की हाइट सही रहे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।